नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस में। आज का ये जो वीडियो होगा इसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये सितंबर मंथ की क्रोनोलॉजी है और इसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कवर कर लिया है। ये पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ेंगे और इसमें राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर होंगे। इस मैगजीन को पढ़ने का तरीका मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों आप में से कोई नया है तो उसके लिए ये जानकारी मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप इसी के अंदर लिख लें, क्योंकि मैगजीन बहुत पतली होती है और इसको कवर करना आसान है। और जो भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, उसको आप वहीं पे क्रॉस लगा लें, जिससे कि आपको इसको दोबारा या सेकंड रीडिंग जब आप इसको देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहे। इस मैगजीन का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस जो है उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, जयपुर शहर का परकोटा विश्व धरोहर घोषित। तो देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2012 के अंदर जो है दार्जिलिंग हिल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स कई सारी दे रखी थी और उसमें आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सी हेरिटेज साइट है कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये जो हेरिटेज साइट जो है यानी विश्व धरोहर जो है ये कौन घोषित कर रहा है, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि ये एक तो देखिए कि विश्व धरोहरों को घोषित करता है पूरे विश्व के अंदर, दूसरा ये एजुकेशन के ऊपर भी काम करता है और साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो जगह होती है उनको भी ये चिन्हित करता है। तो अब देखिए कि मैंने हमेशा आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको कोई भी ऐसी संस्था का नाम मिलता है जो कि अपने आप में एक वैश्विक संस्था है, तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, जैसा कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए ये इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को भी करंट में भी इम्पोर्टेंट चल रहा है क्योंकि इजराइल और USA इन दोनों ने जो है इससे एग्जिट कर लिया है, यानी कि इसकी सदस्यता को जो है त्याग दिया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किन देशों ने जो है, निम्न में से किन देशों ने यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया है। तो अब नेक्स्ट देखिए आप कि यूनेस्को ने जो है जयपुर शहर को जो है इसका जो परकोटा है उसको विश्व धरोहर घोषित किया। परकोटा देखिए क्या होता है, जयपुर में भी दो पार्ट हैं, एक तो मेन सिटी है जो सिटी वाला पोर्शन होता है जहाँ पे आप मार्केट जिसको कहते हैं उसको हम परकोटा कहते हैं, क्योंकि वो जो है चारों तरफ से प्राचीरों से जो है उसको घेरा गया है और उसके अंदर शहर बसा हुआ है। तो वहाँ पे आपको बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदी की टकसाल, जलेब चौक, इस तरीके के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, तो उसको कहते हैं हम परकोटा। तो देखिए इसको घोषित करने के पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर ये एक तो प्राचीन है, यानी 1727 के अंदर इसको बसाया गया है, उसके अलावा जो है ये एक स्क्वायर शेप में है, जहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसको जो है इसकी बसावट इस तरीके से है कि 90 डिग्री के एंगल्स पे जो है इसकी रोड्स वगैरह जो है क्रॉस होती हैं। अब अतिक्रमण की बात तो आप ना करें, लेकिन जो बसावट एक्चुअली है वो इस तरीके से ही है इसकी। तो उस समय इसकी जयपुर शहर को 1727 के अंदर जो है हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वारा जो है इसको बसाया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयपुर है। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। तो अब देखिए ये तो बात हुई जयपुर शहर की, यूनेस्को की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत के अंदर ऐसी कितनी साइट्स हैं जिनको कि विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। तो देखिए हमारे भारत के अंदर 38 ऐसी साइट्स हैं जिनको कि विश्व धरोहर घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लीजिए इसको अच्छे से। इनमें से राजस्थान में से कितनी साइट्स हैं, तो देखिए राजस्थान में आप नोट करते जाइएगा, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क है, उसको घोषित किया गया है। उसके अलावा जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर जयपुर वाला, ठीक है, इसको भी जो है विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। उसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान के 5 किले हैं ऐसे जिनको कि विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है, जिसमें रणथंभौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ है, आंबेर है और गागरौन है, ठीक है। तो इनको जो है और एक और है जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, उसको भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इनको भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब देखिए कि अहमदाबाद के बाद में शहर अगर हम देखें तो शहरों के अंदर अहमदाबाद के बाद में जयपुर ही दूसरा शहर है जिसको कि विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और एक फैक्ट और है कि जो जयपुर है उसको पूर्व का पेरिस कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महंगाई जो है, जैसे कि यूरोप के अंदर सबसे महंगा शहर पेरिस है, उसी प्रकार से अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जयपुर जो है महंगा शहर है, तो इसीलिए इसको जो है
पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल भी है। इन 38 के अंदर 7 प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक स्थल का मतलब यह है कि जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक साइट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट है, वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूडेड हैं, तो उनको आप जो है प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में ये लोग आते हैं। तो अब आपको सारे फैक्ट्स इसके बारे में पता चल गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मकराना मार्बल ग्लोबल हेरिटेज में शामिल। ये जो मकराना का मार्बल है, देखिए मकराना कहाँ पर पड़ता है, मकराना जो है नागौर में पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मकराना का जो मार्बल है उसका यूज़ जो है ताजमहल को बनाने में किया गया था। उसके अलावा देखिए गोविंद देव जी का जो मंदिर परिसर है वो, और आपका बिरला मंदिर जो है वहाँ पर भी जो है मकराना मार्बल को यूज़ किया गया है। तो ये एक तरीके से हेरिटेज स्टोन वैसे भी है, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो अब इसको जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के द्वारा जो है इसको हेरिटेज जो पत्थर है वो घोषित किया गया है। तो देखिए इसकी जो कार्य समिति है, इसके बारे में खैर आपको इतना नहीं पढ़ना है कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया और कितने स्टोन्स और को इंक्लूड किया, ये भी आपके लिए काम का नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मकराना का जो मार्बल है उसको जो है ग्लोबल हेरिटेज में अभी जो है शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो IUGS, ये क्या चीज़ है, इसका गठन जो है पृथ्वी को बचाने और भूगर्भ के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के लिए वर्ष 1961 में जो इसकी स्थापना की गई थी। विश्व के 121 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं। और मार्बल के लिए देखिए कुछ चीज़ें बताई गई है, वो आप पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं कि मार्बल जो है भूगर्भीय दृष्टि से पूरा कैम्ब्रियन काल की कायांत्रित चट्टान है। कायांत्रित का मतलब होता है मेटामॉर्फाइज्ड जो रॉक है। और जयपुर के बिरला मंदिर सिटी पैलेस, ये मैंने आपको बताया है, ये जब जो है ये सब जो है इससे बनाए गए हैं, तो इसमें कोई महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें निकल करके आता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने सीकर तथा उदयपुर औद्योगिक विकास परियोजना विकास को मंजूरी दी। तो इसमें देखिए कि केंद्र सरकार के जो MSME सेक्टर हैं, MSME जो मंत्रालय है, सॉरी MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, और भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र जो है सीकर और सनवाड़ उदयपुर के लिए जो है 934.13 लाख की जो परियोजनाएं हैं इन क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए जो है इसका इस अनुदान की जो है स्वीकृति दी है। तो देखिए उक्त परियोजना की कुल लागत में केंद्र सरकार जो है 550.30 लाख का अनुदान प्रदान करेगी। शेष राशि की आपूर्ति रीको द्वारा अपने संसाधनों से जो है की जाएगी। इसमें लगे हाथ हम रिको के बारे में भी देखिए थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए रिको जो है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये देखिए इसकी जो स्थापना है 1980 के अंदर की गई है, और ये जो है पूर्णतः राजस्थान सरकार के द्वारा जो है इसका स्वामित्व जो है राजस्थान सरकार के पास में है। और ये जो इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए भूमि अधिग्रहण, उसके अलावा फाइनेंशियल जो असिस्टेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब का कार्य जो है रिको के द्वारा जो है किया जाता है। तो देखिए ये जो योजना है इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि केंद्र सरकार ने कितना अनुदान दिया है और कितनी राशि इसके लिए है, बस थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र जो है उनके बारे में आप ध्यान रखें कि अजीतगढ़ और उदयपुर के अंदर जो है, यानी सीकर और उदयपुर के अंदर जो है इनको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, वार्डों के पुनर्गठन में आबादी की बाध्यता जो है उसको समाप्त किया गया है। हालांकि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको जस्ट रीड कर लेते हैं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 193 स्थानीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए लगाई गई आबादी की बाध्यता को जो है जुलाई 2019 में जो है हटा दिया। जनसंख्या सीमा की बाध्यता हटाए जाने के बाद अब स्थानीय निकाय वार्डों की जनसंख्या की आनुपातिक सीमा 10% से कम अथवा अधिक होने पर भी वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने वार्डों के पुनर्सीमांकन प्रस्ताव 5 जुलाई 2019 तक प्रकाशित करने तथा इन प्रस्तावों पर आमजन से आपत्तियां पूर्व निर्धारित तिथि 15 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत करने को कहा है। यह आपत्तियों वाला अपने काम का है नहीं, तो यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम। सो देखिए इसमें क्या है, प्रबोधन कार्यक्रम में ये जो है 15वीं जो हमारी विधानसभा है राजस्थान की, वहाँ पर जो भी चुनकर नए विधायक आए हैं उनको नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं, अनुशासन के बारे में अवगत कराने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन 7 जुलाई 2019 को किया गया। और इसका जो उद्घाटन है हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा जो है किया गया। ये हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, ये मुख्य अतिथि के रूप में जो है यहाँ पधारे थे। और ओम बिरला जी जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी विधानसभा में जो है सम्मिलित हुए थे या उपस्थित हुए थे। तो देखिए ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ओम बिरला जी हैं उनका संबंध जो है कोटा से, यहाँ से विधायक रह चुके हैं।
नेक्स्ट आप देखिए, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सो देखिए, डिफेंस जो है वो आपके आरएस का जो सिलेबस है उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इस मिसाइल के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कुछ फैक्ट्स जो है उनको भी नोट डाउन करें। तो देखिए, ये जो है डीआरडीओ, आप जो भी डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल्स वगैरह होते हैं उनका निर्माण डीआरडीओ द्वारा ही जो है किया जाता है। तो देखिए, डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर के पोकरण स्थित फायरिंग रेंज में जो है इस एंटी टैंक मिसाइल, क्योंकि नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया। कब किया गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इसके करियर व्हीकल का नाम है नामिका, और इसको जो है सुबह, दोपहर और रात्रि, इन तीनों की परिस्थितियों में ही इसका बेहतर संचालन हो सके, इसके लिए इसका परीक्षण जो है तीनों ही समय जो है अच्छी तरीके से किया गया है। अब देखिए, ये जो है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर जो है काम करने वाली मिसाइल है। इसका वजन है 42 किलोग्राम और इसकी स्पीड देखिए 230 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी स्पीड है यानी गति है। और इसका रेंज कितना है, 500 मीटर से अधिकतम 4 किलोमीटर, 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक का जो है इसका रेंज है। ठीक है, यहाँ तक यह लक्ष्य भेदने में जो है सक्षम है। तो नाग मिसाइल के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसके करियर व्हीकल का नाम नामिका है, और इसका जो वेट है वो 42 किलोग्राम है, और ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, और इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में नई खेल नीति बनाई जाएगी। देखिए, जो अभी जो सरकार है वो नई खेल नीति जो है वो लाना चाह रही है, और इससे जो है हमारे यहाँ पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए जो है प्रश्नकाल के अंदर जो है हमारे राजस्थान के जो खेल राज्य मंत्री हैं उनका नाम है अशोक चांदना जी, उन्होंने बताया कि प्रदेश में एशियाड की तर्ज पर जो है राजस्थान गेम्स की जो है शुरुआत की जाएगी। तो पहली चीज़ में आपको थोड़ा लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि हमारा प्रश्नकाल क्या होता है, क्योंकि इस पे आरएस मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, किसी भी सेशन का जो फर्स्ट सिटिंग होती है, फर्स्ट आवर होता है, पहला जो आर होता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर या फिर प्रश्नकाल। इसके अंदर जो है किसी भी मंत्री से, संबंधित मंत्री से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, और जो मंत्री होते हैं उनको वो ऑब्लाइज्ड होते हैं कि वो उस प्रश्न का उत्तर ओरली या फिर रिटर्न रूप में, मौखिक या लिखित दोनों में से किसी भी रूप में, जिस प्रकार का प्रश्न है उसका जवाब दें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। तो अब देखिए, इसमें जो है एशियाड की तर्ज पर हमारे यहाँ राजस्थान गेम्स की शुरुआत की जाएगी, और आपको मैंने क्वेश्चंस में भी बताया था कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जो सिर्फ नेशनल गेम्स खिलाड़ी नेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो पार्टिसिपेट करने पर ही जो है उसको सरकारी नौकरी जो है उसको दी जाएगी, उसमें उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें जो है अगर आप 2019-20 का बजट देखें तो उसमें खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना, देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप, एवं प्रदेश में एशियन गेम्स की तर्ज पर राजस्थान गेम्स आयोजित किए जाने की भी घोषणा जो है हमारे यहाँ पे की गई है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप इसको ध्यान में रखें। तो देखिए, नेक्स्ट खबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में नागौर जो जिला है वो शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, इसमें ये जो रैंकिंग दी गई है ये इस योजना के लिए जो जागरूकता फैलाई गई है उसके अंदर पूरे देश भर में नागौर जो है उसको ऐसे 10 जिले हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है, और उन 10 जिलों के अंदर जो है हमारे राजस्थान का नागौर जिला भी जो है उसमें इंक्लूडेड है। तो अब देखिए, अब इस योजना के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को जो है लागू किया गया था, इसका शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से, यहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और यह जो योजना है ये 3 फेजेस के अंदर जो है इसको अलग तीन जो इसके चरण थे उसमें जो है इस योजना को आगे बढ़ाया गया। 8 मार्च 2018 को इसको पूरे 640 जो हमारे ज़िले हैं उन पे लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तो इसकी तारीख आप याद रखिएगा कि कब इसको जो है जारी किया गया और कहाँ से इसको जारी किया गया। उसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि इसमें कितने मंत्रालय जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो देखिए, इसमें 3 मंत्रालय जो हैं वो सम्मिलित हैं इस योजना में। पहला तो है आपका WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला एवं बाल विकास। दूसरा आप देखिए HRD जिसको आप कहते हैं मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और तीसरा है आपका फैमिली हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये तीनों मंत्रालय जो है इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए, इनके 3 टारगेट्स हैं बेसिकली, अगर
मोटे रूप में हम बात करें तो तीन टारगेट्स हैं। पहला टारगेट तो ये है कि जो सेलेक्टिव जो हमारा सेलेक्टिव जो सेक्स है, यानी कि जो जन्म लेने से पूर्व जो है उनका जांच करके, बच्चों को जो फोटिस होता है उसकी जांच करके और उसको ख़त्म कर देने वाली जो जो चीज़ें चलती है उसको रोकना, ठीक है। और जो मतलब ये जो सेलेक्टिव सेक्स एलिमिनेशन होता है इसको रोकना। दूसरा आपका ये है कि जो बच्चा आ रहा है या जो बच्ची पैदा हो रही है उसके एजुकेशन को जो है इंश्योर करना, उसके एजुकेशन और उसको प्रोटेक्शन जो है उसको इंश्योर करना। और तीसरा जो इसमें ये होता है कि जो वुमेन है उनकी उनके ऊपर भी इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि WCD मंत्रालय इसमें कार्य कर रहा है, तो वुमेन की जो मोर्टैलिटी है, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी भी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है उनको भी टैकल करना। तो ये तो तीन इसमें ब्रॉड इसमें फीचर्स हो गए। उसके अलावा देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे वुमेन की अपने मैंने बताया आपको मोर्टैलिटी जो है उसको मोर्टैलिटी रेट है उसको कम करना, उसके अलावा जो है जो बच्चियां हैं उनके शिक्षण व्यवस्था जो है उसको आगे बढ़ाना, और सेल्फी विथ डॉटर आपने सुना होगा कि कलेक्टर्स को कहा जाता है कि भाई जो लड़कियों का जन्म है वो उसको जो है हर गांव में जो है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सेल्फी विद डॉटर्स लेके उसको जो है प्रचारित किया जाना चाहिए, गिफ्ट गिफ्ट्स दिए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान में जो है सम्मिलित हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का जो नागौर जिला है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ने छबड़ा पावर प्लांट की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो ये आपका छबड़ा पावर प्लांट है, कहाँ पर है ये, 12 जिले के अंदर है, वहाँ पर जो है इसके ये जो ये एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और इसकी जो 2 इकाइयाँ हैं उसका लोकार्पण किया गया है। देखिए ये जो आपका पावर प्लांट है ये जापान की जो आधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक है उसके ऊपर जो है ये आधारित है, और ये जो 2 नवीन इकाइयाँ इस पर स्थापित की गई है उसके बाद में इसकी क्षमता जो है 2320 मेगावाट जो है वो हो गई है। उसके अलावा देखिए कि जो पिछली सरकार थी उसने इसमें छबड़ा पावर प्लांट में जो है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करने की घोषणा की थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है या विनिवेश का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार अपने जो शेयर होते हैं किसी भी उपक्रम के अंदर उसको जो है सार्वजनिक रूप से उसको सेल कर देती है, जिससे कि सरकार के पास में जो धन की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है उसने पूर्व सरकार के इस निर्णय को जो है रद्द कर दिया है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, इन एक कॉमन सेंस के रूप में आपको पता होना चाहिए, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और दूसरा ये है कि भाई जो आपका ये छबड़ा पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम की उप विधियों को मंजूरी। नेक्स्ट आप देखिए, राजस्थान राज्य सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी व सशक्त बनाकर किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए, यानी किसानों के लिए देखिए क्या किया है हमारी सरकार ने, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की उप विधियों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए इस संशोधन से होगा क्या कि अब जो किसान है उसको निकटतम उपज खरीद केंद्र उपलब्ध कराने के लिए व्यापारियों को सीधे खरीद के लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इसके साथ ही कृषक उत्पादक समूह यानी FPOs जिसे कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और कृषक उत्पादक कंपनियां को भी किसानों से कृषि जीन्स की खरीद सीधी खरीद के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। जो उक्त संशोधन प्रस्ताव में FPO व FPC के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 टन खरीद तथा 1 लाख की प्रतिभूति की शर्त रखी गई है। इसके साथ ही FPO और FPC के लिए नेटवर्क की आवश्यकता भी हटा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन फसली ऋण वितरण का शुभारंभ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन फसली ऋण वितरण का शुभारंभ। तो इसमें क्या होगा कि जो भी किसान हैं उनको सहकारी फसली ऋण उसको जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह के अंदर सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना जो है उसके तहत जो है पंजीकृत किसानों को यानी रजिस्टर्ड जो भी किसान हैं उनको ऑनलाइन फसली ऋण वितरण करने का जो है शुभारंभ किया है, यानी कि अब उनको जो लोन है वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा देखिए कि सहकारी ATM मोबाइल वैन इसका जो है शुभारंभ किया गया, और उसके अलावा जो है आपका एक वाइट लेबल ATM जो है उसकी स्थापना का भी उद्घाटन किया। तो हमारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वाइट लेबल ATM क्या होते हैं, वाइट लेबल ATM। और एक देखिए व्हाइट लेबल ATM के साथ में एक होता है ब्राउन लेबल ATM। देखिए व्हाइट लेबल ATM जो होते हैं ये प्राइवेट एंटिटीज जो होती हैं उनके द्वारा इसको खोला जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लिया रिलायंस, ठीक है, और टाटा कंपनी, ये लोग अगर ATM खोल लेती हैं तो उसको बोलते हैं व्हाइट लेबल ATM। ब्राउन लेबल ATM क्या होता है, इसमें बैंक
खुद जो है थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है कि आप यहाँ पर एटीएम खोल सकते हैं। दोनों का उद्देश्य तो सेम है कि एटीएम की जो पहुँच है उसको फैलाना, उसको विस्तार करना। इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक है यानी कि जिस जो भी बैंक है उसका लेबल नहीं होता या लोगो नहीं होता है। आपने लोगो देखा होगा हर बैंक में, एक्सिस बैंक का होता है, फलाने बैंक का होता है, लेकिन जो वाइट लेबल एटीएम है उसमें लोगो नहीं होता है। जबकि ब्राउन लेबल बैंक के अंदर क्या होता है कि जो भी जिस भी बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है यानी कि जो भी पैसा इसको जो भी बैंक इसको पैसा दे रहा है उसका लोगो जो है इस पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके अलावा वाइट लेबल जो एटीएम है उसमें आरबीआई का डायरेक्ट इंटरवेंशन रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वो जो है पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत जो है इसकी परमिशन देता है कि आप जो है यहाँ पर वाइट लेबल एटीएम ओपन कर सकते हैं। उसके जितने भी खर्च हैं वही प्राइवेट एंटिटी जो है वही उसको उठाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, केंद्र के जल शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के 111 शहरों को टास्क दिए गए। तो हालांकि देखिए इसके अंदर ये जो कंटेंट, इसका कंटेक्स्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 111 जो शहर हैं जो कि 29 जिलों के हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जल शक्ति अभियान क्या है, और इसके इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इससे पहले हमारे यहाँ पे हुआ जी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय, इसका गठन जो है दो मंत्रालयों को जोड़ करके या मर्ज करके किया गया है। पहला मंत्रालय तो है आपका रिवर वाटर कंजर्वेशन, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ठीक है। एक तो ये मंत्रालय है, दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, ठीक है। इन दो मंत्रालयों को जोड़ करके जो है जल शक्ति मंत्रालय जो है उसकी स्थापना की गई, और उसके जो भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि अपने राजस्थान से ही हैं, ठीक है। अब इस मंत्रालय का उद्देश्य देखिए क्या है। इसका उद्देश्य सिंपल सा ये है कि पानी का कंजर्वेशन करना यानी संरक्षण करना। संरक्षण कैसे होगा, आप जो रूफ टॉप कंजर्वेशन आपने सुना होगा, यानी कि छतों के ऊपर जो है इस तरीके से पाइपलाइन बिछाई जाए कि बारिश का पानी जो है संरक्षित होकर के वापस से ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड लेवल में जो है उसको वापस उसमें जो है उसको रिजुविनेट किया जा सके। उसके अलावा आप वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे कि जितने भी आपकी पुरानी बावड़ियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, उन सबको जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए जिससे कि वहाँ पर पानी जो है संरक्षित हो सके। तो यही सारी चीज़ें जो है इस अभियान के अंदर इंक्लूड की गई है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक अभियान है जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, ये इसी मंत्रालय का अभियान है। ये आपके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस अभियान को कब जारी किया गया। तो देखिए इसका प्रथम चरण जो है 1 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर 2019 तक जो है चलाया जा रहा है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी क्या गाइडलाइन दी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला आप ये ध्यान रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय का कार्य क्या है, इसके मंत्री कौन है संबंधित, किन दो मंत्रालयों को जोड़ करके इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है, और तीसरा यह है कि इस अभियान की यानी जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब से कब तक की गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये है प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन। देखिए ये मैं डेली क्विज के अंदर जो है अच्छे से इसको समझा चुकी हूँ। तो 3 खिलाड़ियों के नाम आप याद रख लीजिए, दीपक चाहर, राहुल चाहर और खलील अहमद। उसके अलावा मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हम डेली क्विज में इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो अब देखिए इसके अंदर जो है रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता जो कि राजस्थान की है, इसके अंदर पुरुषों में जो है अजय मीणा और महिलाओं में जो है योशिता माथुर जो है चैंपियन बने हैं। बस इतनी ही न्यूज़ काम की, इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखिए हमारे रेलवे को, जो जयपुर का हमारा रेलवे है, उसको ये पुरस्कार हमारे रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने जो है ये पुरस्कार दिया है, दो क्षेत्रों में दिया है। पहला तो इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ पे जो है मानव रहित जो है रेलवे फाटकें जो हैं
उनको समाप्त करने के क्षेत्र में दिया गया, और दूसरा जो है सर्वाधिक विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर भी रैंकिंग में टॉप स्थान मिला है, तो वो भी आप ज़रा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए राजस्थान रत्नाकर का सम्मान वितरण समारोह। सो देखिए ये राजस्थान रत्नाकर का जो सम्मान है ये एक समाज सेवी संस्था है राजस्थान रत्नाकर, जो कि दिल्ली की है, और ये जो है विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न विद्वानों को जो है पुरस्कृत करती है। और इसमें देखिए राजस्थान के किन लोगों को सम्मान मिला है, जो आपके दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार है, ये पुरस्कार का नाम है, ये राजस्थान साहित्य की सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए दिया जाता है, और ये वेदव्यास जी को दिया गया है जो कि जयपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए बागला साहित्य पुरस्कार, ये जयपुर के सीताराम झालानी को जो है ये उनकी उनकी राजस्थान की श्रेष्ठ पुस्तक अनुपम राजस्थान के लिए जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखिए शिव रूपराम का लोकगीत पुरस्कार, ये सरदार शहर चूरू के शफी खां डाडी जो राजस्थान लोक गायन के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए इस तरीके के जो पुरस्कार हैं ये आपके हालांकि आरएएस में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपके फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी के टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम में या पटवारी कांस्टेबल में पूछ लिया जाए तो उसका जो है इसका उसके लिए आपको इसको तैयार करना ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसका एक बार ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए राजस्थान मूल के पत्रकार ओपी यादव, चौधरी चरण सिंह आईसीएआर नेशनल अवार्ड से सम्मानित। तो देखिए इसके अंदर जो है क्या क्या मिला है, शॉल वॉल ये आपके किसी का अर्थ का नहीं है, आपको ये देखना है कि नई दिल्ली के संपादक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं ओपी यादव जी, जिनको दिल्ली के अंदर जो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी अगर आप रखेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए राजस्थान परिवर्तित बजट 2019-20। तो देखिए जो परिवर्तित बजट है इससे पहले जो हमारी सरकार आई उसने जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है उसने जो है इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किया वो 3 माह के सरकारी व्यय के लिए था। उसके बाद में अभी इन्होंने मॉडिफाइड बजट जो है उसको पेश किया है, और जो मॉडिफाइड बजट है उसके अनुसार कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं, जैसे कि इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर और अपना जो इनका व्यय है और जो इनकी आय है उनकी जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप देख लीजिए कि इनकी जो कुल व्यय है यानी एक्सपेंडिचर है उदय योजना के सहित वो है इनका 2,32,94,401 लाख रहने का की बात कही गई है, जबकि उदय योजना आप जानते हैं जो कि आपके डिस्कॉम्स हैं जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो डिस्कॉम्स हैं उनको दोबारा से रिज्यूविनेट करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो उदय योजना के तहत ही दे रही है। तो इसके ऊपर आपके 2013 आरएस में भी क्वेश्चन आ चुका है उदय योजना के ऊपर, 2013 के अंदर जो है क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स के अंदर इस पे क्वेश्चन आ चुका है उदय योजना के ऊपर, और आप अगर इकोनॉमिक रिव्यू अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी उदय योजना जो है उसको अच्छे से समझा रखा है, तो वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी अनुमानित जो ये आंकड़े हैं कुछ थोड़ा बहुत अगर आप देख लेंगे तो काम आएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार जो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि आपका जो रेवेन्यू है यानी कि कुल राजस्व जो है उसमें आपका कितना व्यय है, उसमें से अगर आप अपनी आय को राजस्व आय को माइनस कर देंगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा, यानी कि आपका राजस्व घाटा। और उसके अलावा आप देखिए कि राजकोषीय घाटा क्या है, फिजल डेफिसिट, इसका जो है अभी आपका जो स्टेट का जीएसडीपी है वो उसका 3.19% रहने का इसका जो है अनुमान जाहिर किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कृषि के क्षेत्र में देखिए कि परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला कदम उठाते हुए किसानों के लिए 1,000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष K3 के गठन की घोषणा की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कृषक कल्याण कोष के ऊपर, इसके फंडिंग कितनी है 1,000 करोड़ रुपीज़, ये भी आप ध्यान रखें। इस कृषक कल्याण कोष का उपयोग किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने में किया जाएगा। कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, इसको शुरू किया जाएगा। इसका आरंभ कहाँ से होगा, बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही जिलों में किया जाएगा, जहाँ की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये भी जो है व्यय किए जाएंगे।
उन्नत कृषि तकनीक को सरल तकनीक तरीकों से किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम पर 2 करोड़ जो है व्यय किए जाएंगे। तो देखिए एग्रीकल्चर के अंदर हमारी सरकार के जो प्रयास हैं वो इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए कोऑपरेटिव यानी सहकारिता। नेक्स्ट देखिए किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में किसान सेवा पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की गई। 6,000 करोड़ रुपए चुकाकर किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ी का पूरा लाभ प्रदान किया गया। 30 नवंबर 2018 तक किसानों को के बकाया रहे 9,513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण भी जो है उसको माफ़ किया गया। हालांकि ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कितना लोन माफ़ किया कितना क्या किया, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि किसान सेवा पोर्टल जो है उसकी शुरुआत की गई, जिससे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है किसानों को दिया जा चुके हैं। हालांकि पोर्टल जितने भी ऐप हैं खूब सारे लॉन्च होते हैं और इनके हाल क्या होते हैं सभी जानते हैं, क्योंकि ये सरकारी पोर्टल्स हैं, एक बार आप उपयोग करके देखिए आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन जो घोषणा हुई है उसको आप उसी हिसाब से लें, आपके एग्ज़ाम में आपको काम करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आपके 400 नए उपकेंद्र खोले जाने सहित आगामी 5 वर्षों में राज्य में 1478 ग्राम पंचायतों पर नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। ये काम करने जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। पशु चिकित्सा निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद अजमेर को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी शालाओं की स्थापना की जाएगी। तो ये आपका पशुपालन में कार्य किए जाएंगे। अब सार्वजनिक निर्माण यानी PWD में देख लेते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ये वाला जस्ट फॉर रीड है। आगामी 5 वर्षों में सड़क तंत्र पर अनुमानित 35,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कुल 6,037 करोड़ का प्रावधान। जयपुर चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ नागौर सीकर बीकानेर तथा भीलवाड़ा जिलों में 435 किलोमीटर लंबाई के साथ के 6 राज्य राजमार्गों यानी स्टेट हाईवेज को 927 करोड़ के व्यय से विकसित किया जाएगा। 1 लाख से अधिक कुल वाहन भार वाले समस्त फिजिएबल रेलवे फाटकों पर रेल मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष 2 ROB तथा 32 RUB का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। डामर सड़क से वंचित 500 से अधिक जनसंख्या वाले, ये फालतू की चीज़ें हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा। इसमें देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षमता है और हमारे जो भी लक्ष्य रखे गए हैं पेरिस ट्रीटी के अंदर, वहाँ पर भी हमको जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारे कुछ टारगेट्स हैं, तो उसको पूरा करने के लिए राजस्थान एक अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सन की रेज है वो ऑलमोस्ट 365 डेज जो है स्लेंट पड़ती है, जिससे कि यहाँ पर सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ देखिए 2019-20 में ऊर्जा विभाग के लिए 30,170 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि 11.41% अधिक है पिछले वर्ष से। ठीक है, आगामी 7 वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6,000 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने का हमारा जो है लक्ष्य है। राज्य के लिए नवीन सौर ऊर्जा नीति तथा पवन ऊर्जा नीति लाने की भी घोषणा की गई है। 2013 में ये नीतियाँ आ चुकी है, लेकिन इसको फिर से जो है नई नीतियाँ लाने की अभी घोषणा की गई है। 2022-23 तक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा तथा 4,885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। हालांकि ये आंकड़े आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगामी 3 वर्षों में किसानों की अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा के लिए 500 किलोवाट के कुल 2600 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उनको स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो भी अनुपयोगी यानी कि बंजर भूमि है वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे। इस वर्ष 600 मेगावाट के संयंत्रों का कार्य प्रारंभ होगा। जोधपुर में 765 KV का एक ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में 1 लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है। आगामी 4 वर्षों में कृषि कनेक्शनों के लिए फीडरों की स्थापना हेतु 5,200 करोड़ रुपये की योजना प्रारंभ की जाएगी। किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम शायद डेली क्विज में भी डिस्कस कर चुके हैं। कुसुम योजना जो है उसके तहत जो है किसानों को सोलर पंप सेट जो है वो प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। नाथद्वारा और पुष्कर में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 80,000 वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वाटर रिसोर्सेज एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट।
इसमें देखिए जल संसाधन 2019-20 में जल संसाधन विभाग के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान फीडर व सरहिंद फीडर की मूल प्रवाह क्षमता पुनः स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार व भारत सरकार के मध्य IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है के जीर्णोद्धार हेतु MOU किया गया है। इस योजना हेतु 1976.75 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से इस वर्ष 220.37 करोड़ व्यय होंगे। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में 207 करोड़ का व्यय का प्रावधान है। जितने भी आंकड़े हैं उन पर ज़्यादा उनको ये रटने के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि इतने जो डीपली अगर आंकड़े आ भी जाएंगे तब भी आपको याद नहीं रह पाएंगे एग्जाम के टाइम तक, उस पर आप फोकस ना करें तो कोई सिंचाई के लिए यहाँ पर और भी जितनी चीज़ें दे रखी है उसमें आपको सिर्फ जो है आंकड़े ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जब हम राजस्थान जी के लक्ष्य राजस्थान से हम आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें हम सिंचाई जो इरिगेशन वाला जो चैप्टर है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसके सारे चरण आपको पढ़ने हैं, जहाँ पे जितने भी लिफ्ट नहर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और ये जो है इन सबके नाम उसको उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, और क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा आते हैं। इसमें आंकड़ों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेयजल, पेयजल के अंदर अगर कोई स्कीम है तो आप उसी को नोट डाउन करेंगे, बाकी हम चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 1250 गांव ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा चालित डीप फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण में जोधपुर, बाड़मेर व पाली जिलों के 5 कस्बों सहित 2104 गाँवों के लिए नवीन परियोजना में कुल व्यय 1454 करोड़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए MSME के लिए क्या किया गया, यानी कि आपके जो मध्यम लघु श्रेणी के जो उद्योग हैं उनके लिए क्या किया गया। देखिए उसके लिए जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। इसमें 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट है इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में 50 करोड़ तथा आगामी 5 वर्षों में 250 करोड़ का प्रावधान है। खादी संस्थानों के लिए रिवॉल्विंग फंड की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ की अवधि में की गई है। ये वाला काम का नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम एवं खनिज, पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। रिफाइनरी के उत्पादों पर आधारित उद्योगों हेतु इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाने की घोषणा की गई। बजरी के लिए राजस्थान एम सैंड नीति 2019 लाई जाएगी। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है मेडिकल और हेल्थ वाला, प्रदेश में मोहल्ला और गली में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में 104 प्रकार की और दवाएं शामिल की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क जांच की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गई है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली सभी नवजात बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को भी हमने जो है डेली क्विज में अच्छे से डिस्कस किया है। राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी नागौर में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। राज्य में 200 उप स्वास्थ्य केंद्र, 5 ट्रॉमा सेंटर और 50 PAC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उनकी शुरुआत की जाएगी, उनको खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। इस केंद्र में गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, ये जयपुर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी जल संचय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। प्रदेश के नगरपालिका तथा नगर परिषद मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इसमें क्या नई चीज़ है। इसमें देखिए राज्य के पहले साइन लैंग्वेज इंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी। मानसिक रुग्णता वाले रोगियों के लिए जयपुर व जोधपुर में 50-50 की क्षमता वाले हाफ वे होम की स्थापना की जाएगी। नई सिल्कोसिस नीति बनाई जाएगी। सिल्कोसिस क्या होता है, जो भी माइंस में काम करते हैं लोग उनको जो माइंस में जो महीन जो कचरा उड़ता है, जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे सांस की जो दिक्कत होती है उसको सिल्कोसिस कहते हैं, और उससे पीड़ित लोगों को सरकार जो है 4 लाख तक की जो है अनुदान राशि या पेंशन जिसको आप कह सकते हैं वो भी जो है उसको देने का उसने प्रावधान बजट में घोषणा की है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना SC ST व अल्पसंख्यकों के BPL परिवारों के लिए प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 21,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम 2012 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य में सर्वप्रथम जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाया
जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनजाति डेवलपमेंट विकास, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा तथा उदयपुर में 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर जो है खोले जाएंगे। जयपुर में 10 करोड़ के व्यय से करियर काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर हाई लेवल पुल तैयार करने हेतु 1 करोड़ के व्यय से DPR तैयार करवाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास में देखिए क्या किया गया कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की 1,000 करोड़ के साथ स्थापना की घोषणा की गई है। बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने हेतु कक्षा 6 से 12 तक के समस्त राजकीय विद्यालयों में शारीरिक आत्मरक्षा परीक्षण अनिवार्य किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,500 करने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है उसको बढ़ाया गया है, ये बढ़ाने की ये हमारे काम का नहीं। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना में चरणबद्ध रूप से 14,000 से अधिक कक्षों 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा अन्य मरम्मत कार्यों पर जो है 1,581 करोड़ रुपये जो है उनका व्यय किया जाएगा। नवीन शिक्षा नीति बनाई जाएगी। शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरणों हेतु स्टाफ विंडो तथा आम नागरिकों के सुझावों के लिए सिटीजन विंडो प्रारंभ की जाएगी। इस वित्त वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनको भी खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हायर एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जाएगी। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ यानी श्रीगंगानगर का नामकरण शराबबंदी के लिए आमरण अनशन करते हुए प्राण त्यागने वाले स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा के नाम पर जो है उसको करने की घोषणा की गई है। कौशल व रोजगार यानी कि स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा। इस योजना के तहत 1,00,000 युवाओं को 1,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना अंतर्गत इस वर्ष 25,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कुल 1,000 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे। खेलों के लिए देखिए एक खेल एक उद्यमी योजना जो है उसको शुरू किया जाएगा, जिसमें कोई एक औद्योगिक घराना एक खेल को गोद लेकर उस राज्य में उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करेगा। एशियन गेम्स व नेशनल गेम्स के तर्ज पर राजस्थान में राज्य खेल यानी स्टेट गेम्स जो है उनको प्रारंभ किया जाएगा। ये हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लीजिए एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना लाए जाने की घोषणा की गई है। कौन सी योजना है? राजस्थान जन आधार योजना। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ई मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त गाँवों में 6,000 नए ई मित्र केंद्र खोले जाएंगे। राज्य के सभी 33 जिलों व 331 तहसीलों तथा 180 उप तहसील मुख्यालयों पर ई मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की जाएगी। गांव में हर घर पर फाइबर टू होम के माध्यम से उच्च गति का इंटरनेट सेवा भी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राजस्थान जन आधार योजना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए राज्य पक्षी गोडावन के प्रभावी संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय के गठन की घोषणा की गई तथा नई जलवायु परिवर्तन नीति लाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए जिला कलेक्टर के अधीन प्रत्येक जिले में 1 करोड़ की मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, ठीक है, इनोवेशन फंड जो है उसको बनाया जाएगा। जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना है मैं उसी सेंटेंस को पढ़ रही हूं जिससे कि हमारा समय जो है वो व्यर्थ ना हो और हम काम की चीज़ को पहले पढ़ लें। एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए देखिए क्या किया गया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। ये प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करेगा। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प में देखिए क्या किया है सरकार ने। राज्य के शहीदों के आश्रितों के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्थान या व्यक्तियों द्वारा आवंटित हस्तांतरित आवासीय भूखंड, ठीक है, रहवासी जो भूखंड होते हैं, भवन या दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में जो है संपूर्ण छूट दी जाएगी। स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 10,00,000 तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि स्टार्टअप्स जो है हमारे यहाँ पर नया चलन है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, कई स्कीम्स भी इसके ऊपर चल रही हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। बकाया स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर उस पर देय ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट के लिए एमनेस्टी योजना जो है लाई गई है। कंपनियों के अमेलगमेशन तथा डी मर्जर के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी को 25 करोड़ की अधिकतम सीमा को जो है उसको भी समाप्त
कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दूसरे सेंटर के रूप में विकसित किए जाने के लिए इस क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन घोषित किया जाएगा तथा इसके विकास प्रबंधन एवं विनियमन के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। इसमें क्या किया जाएगा, निवेश और रोजगार के लिए 7 वर्षों के लिए देय एवं जमा राशि की GST का 100% तक पुनर्भरण किया जा सकेगा। रिप्स 2019 में संगठित क्षेत्र में रोजगार की को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों के लिए अदा EPF अंशदान का पुरुषों के लिए 50%, महिलाओं के लिए 75% तक अंशदान का पुनर्भरण एवं नए निवेश एवं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी व मंडी शुल्क में 100% तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित है। तो प्रमुख योजनाएं देखिए कौन कौन सी है, राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना, इसके तहत राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम, इस योजना का आरंभ बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही जिले की 36 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, इसके तहत प्रदेश के 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र यानी कि वाटर लॉज्ड एरिया को पुनः कृषि योग्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही इससे पाकिस्तान में जा रहे पानी को भी रोकना संभव हो सकेगा। देखिए जो सेम की समस्या है ये हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में आती है क्योंकि वहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर का पानी है उसके कारण जो है मिट्टी में अत्यधिक पानी के भराव के कारण उसमें जो खेती करना है वो असंभव हो जाता है, तो उसको हम सेम की समस्या कहते हैं यानी कि वो लैंड जो है वो खराब हो जाती है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना जिसको ड्रिप कहा गया है, इसके द्वारा प्रदेश के 211 बड़े बांधों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण जो है उसको किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, योजना के तहत SC ST अल्पसंख्यकों के BPL परिवारों की पात्र कन्याओं को 21,000 की सहायता हथलेवा के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना में 8वीं पास वयस्क बालिका ही सहायता की पात्र होगी। मदरसा आधुनिकीकरण योजना ये काम की नहीं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, इस योजना के तहत हुनरमंद यानी स्किल्ड 1,00,000 युवाओं को 1,00,000 तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें रिको RFC तथा SC ST OBC माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में कुल 1,000 करोड़ के ऋण प्रदान किए जाएंगे, तो ये आपके लिए काम का है। एक उद्यमी एक खेल ये हमने पढ़ लिया। राजस्थान जन आधार योजना ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन सम्मान योजना पिछले कार्यकाल में घोषित है उसको व्यवहारी एवं सेवा प्रदाता सम्मान योजना, व्यवहारी तथा सेवा प्रदाता यानी डीलर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर को पहचान दिलाने के लिए इस योजना को पुनः शुरू किया गया है। इसे 2011 में भी शुरू किया गया था। नवजीवन योजना, मदिरा के अवैध व्यवसाय में सम्मिलित परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए योजना अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में लाई गई थी जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना को ध्यान में रखिएगा, नवजीवन योजना। ये ज़्यादा ऊपर वाला इतना काम का है नहीं, इसको आप सिंगल रीडिंग दे लीजिएगा अपने आप ही। नेक्स्ट देखिए राजस्थान संक्षिप्त की, CP जोशी कौन है, अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रमंडल जो संसदीय संघ जो होता है अपने क्षेत्र का उसके पदेन सभापति होते हैं। तो देखिए अब इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने जो CP जोशी जी हैं उनको 3 वर्ष के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कार्यकारिणी सदस्य जो है उसको मनोनीत किया है। नेक्स्ट देखिए जगदीप धनखड़, ये हम डेली क्यूज में भी पढ़ चुके हैं, ये झुंझुनू जिले के हैं और इनको जो है आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जो है इनको नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखिए ये जो है वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं और उसके अलावा देखिए हमारे राजस्थान से जो है ये 23वें ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि राज्यपाल पद की जो है जिम्मेदारी दी गई है। और ये कौन से लोकसभा सीट से आते हैं, तो देखिए ये जो है झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है आकाश सिंह, BCCI ने यूथ एशिया कप के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में राजस्थान के युवा गेंदबाज आकाश सिंह के चयन की घोषणा की। तो आकाश सिंह का संबंध किससे है, क्रिकेट से। नेक्स्ट देखिए विवेक कुमार,
ये क्यों चर्चा में है? तो देखिए, ये हमारे राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं और ये IFS अधिकारी रहे हैं और इनको जो है भी हमारे प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव जो है बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिजेश यादव, और इन्होंने जो है बैंकॉक में संपन्न थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 81 किलोग्राम में रजत पदक जो है उसको जीता है। नेक्स्ट है रूमा देवी, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी ने दिल्ली में टेक्सटाइल फेयर इंडिया द्वारा जुलाई 2019 में आयोजित फैशन शो प्रतियोगिता में डिजाइनर ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त किया। इस अवार्ड के साथ ही उन्हें पेरिस का टूर पैकेज भी मिला है। तो ये हमारे लिए कम का नहीं है, रूमा देवी का जो इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, और ये वही हैं जो हमारे इसमें KBC के अंदर भी आई थी। नेक्स्ट देखिए, Patrika.com नई दिल्ली में आयोजित कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 7वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में Patrika.com को बेस्ट हिंदी न्यूज़ पोर्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि ऐसी खबरें कोई पूछता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये काम का नहीं, द 3 Ways to Disappear, ये जो है बाघों के संरक्षण और उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिका की ट्रेवल राइटर कैटी योकोम है। इन्होंने जो है बाघिन मछली के ऊपर जो है उनका फोटो लगाया है और उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। नेक्स्ट देखिए आप, सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये भर्तियाँ हैं ये आपके किसी काम की नहीं है। तो ये हमारा अब राजस्थान राउंडअप में देख लेते हैं। प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने संबंधी विधेयक, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 प्रदेश विधानसभा द्वारा 8 जुलाई 2019 को पारित कर दिया गया। तो ये काम का है, ये ऊपर वाली न्यूज़ काम की नहीं है। उसके बाद में देखिए, सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जितने भी न्यूज़ हैं वो आपके ज़्यादा काम की नहीं है, सिर्फ ये एक ही न्यूज़ यहाँ पे काम की थी, बाकी सब पे आप क्रॉस लगा सकते हैं। तो ये आज हमारा प्रादेशिक परिदृश्य पूरा होता है, ये नियरली जो है आपका 52 मिनट्स का जो है वीडियो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस आपकी ये डिमांड थी कि इसको कंप्लीट करवाया जाए। मैगज़ीन को रीड करना, खुद से रीड करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन खुद से रीड करके हम इतने अच्छी चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाते हैं उसमें, जो कि हमें कोई दूसरा बताता है जिसको कि उससे संबंधित कई चीज़ें पता हो। तो इसलिए मेरा कहना ये होगा कि जब भी आप मैगज़ीन पढ़ें तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ें, जिससे कि आपको एक न्यूज़ के साथ में कई कंसेप्ट जो हैं उसके आपके क्लियर हों, सिर्फ रीडिंग ही ना लगाएं। और दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, हम इस मैगज़ीन को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा जो छोटे फैक्ट्स हैं जिसमें कि भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं और जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स हैं उनसे संबंधित कुछ न्यूज़ होगी वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये लास्ट पार्ट में इसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और ये जो वीडियो है इसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा। इसी तरीके से अपनी तैयारी करती रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।